आज एग्जाम के बाद लगभग 1 महीने के बाद एक क्लास हो रहा है, और मुझे पता है वह इससे पहले एग्जाम, जब एग्जाम से पहले हम इस इंटीग्रेशन चैप्टर कर रहे थे मैथ्स में, राइट। और इंटीग्रेशन में हमने क्या देखा था कि इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव, उल्टा होता है। और हमने कुछ क्लासेस किए थे, लगभग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 9 क्लासेस हमने इस चैप्टर के रिलेटेड किए हुए थे। अब मुझे पता है मैथ्स में गैप हो जाता है तो फिर भूलने लग जाते हो, तो क्या करना, चैनल पे, अपने चैनल पे 9 के 9 वीडियो डल चुके इंटीग्रेशन के, तो एक बार उसको थॉरली देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं फिर से उस स्टार्टिंग से तो पढ़ाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि एज बिकॉज अभी टर्म 2 आ रहा है, टर्म 2 के लिए टाइम भी बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो एक बार क्लास इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे जब, फ्रेश माइंड से फिर से स्टार्ट करना। 8 वीडियोज हमने डाल दिए हैं, 9 वीडियोज डाल दिए हैं, आज का जो लेक्चर है वो 10वां लेक्चर है, ठीक है। आज के क्लास में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये वाला फॉर्मेट, मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। वन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो तब हम इसको कैसे सॉल्व करें, और इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली इन 3 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये 3 फॉर्मूले हमने प्रीवियस क्लासेस में निकाले हुए, मतलब डिराइव किए हुए। अगर तुम थोड़ा कॉपी को पीछे पलटो, 2-3 क्लास का लेक्चर में हमने ये इसका डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x² माइनस x प्लस 1 dx। जब हमें ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा तो पहला चीज हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जब भी इंटीग्रेशन में आपको ऐसा पहला चीज मिलेगा तो दिमाग में यह लाना कि क्या मैं इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकता हूं। इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरली हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको मिलता है तो उसको ट्राई करना मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर दो, ठीक है, फैक्टराइज कर दो। लेकिन क्या हम इधर अगर देखो तो इधर क्या हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर पा रहे हैं, नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये सॉल्व नहीं होगा। तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व हो जाता देन इसको सॉल्व करना बड़ा आसान था। कैसे आसान था, अब वो कुछ देर बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो क्या करना है, हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मतलब इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, ये स्क्वायर कब होता, इसको हम स्क्वायर कब कर सकते थे, अगर यहां पे क्या हो जाता, अगर यहां पे 2x होता तब हम इसको 2x और यहां पे 2 होता, या फिर यहां पे अगर 2 होता तब हम आराम से इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाते ना। अब मैं क्या करता हूं, एज बिकॉज यहां पे 2 है नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं x² माइनस x प्लस इसके साथ 1/4 ऐड करता हूं और माइनस करता हूं 1/4 और प्लस वन कहां से लाया, ये +1 जो पहले से था, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने एक 1/4 को ऐड किया और एक 1/4 को सब्सट्रैक्ट किया। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या ये इक्वेशन मेरा ऐसा बन जाएगा, 1/x² माइनस x प्लस 1/2² माइनस 1/4 प्लस 1 बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर इसको तुम ध्यान से देखो, इस वाले इक्वेशन को, ये हमारा क्या है, x-1/2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। अगर मैं x-1/2 का होल स्क्वायर करता तो क्या हो जाता, फॉर्मूला क्या है, a² + b² - 2ab।
तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए के जगह पे एक्स इंटू 1/2, तो ये हो जाता कैंसिल, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स ए माइनस एक्स, ये आता। तो क्या मैं इतना पार्ट को x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा -1/4, इसको मैं माइनस का माइनस रखता हूं, 1/4 + 1 ये कितना हो जाएगा -1/4, अच्छा माइनस को छोड़ दो, इसको सॉल्व करो, -1/4 + 1 कितना हो जाएगा +3/4 होगा या नहीं होगा, तो +3/4 dx होगा या नहीं होगा। अब इसको तो मैं परफेक्ट स्क्वायर में नहीं ला सकता, ला सकता हूं 3/4 को, ला सकता हूं, जिस जिसके दिमाग में चल रहा है कि नहीं ला सकता हूं थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, इसको मैं क्या लगा सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, क्या मैं इसको √3/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता dx, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब देखो ये कौन से फॉर्म में आ गया, अब ये जो इक्वेशन है यहां पे जो हमें मिला ये कौन से फॉर्म में आ गया, यहां पे देखो x के फॉर्म में, ये x है, मान लो इसको मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूं और इसको ए स्क्वायर ले सकता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/x² + a² का क्या फॉर्मूला है, यहां पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 1/a tan inverse x/a + c, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट का डायरेक्ट मैं वहां पे डाल सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, क्या है √3/2, तो 1/√3/2 tan inverse, फिर x by a, x हमारा कितना है, ये टोटल x - 1/2 होल डिवाइडेड बाय a हमारा कितना है √3/2 + c, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व कर दे तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, ये अगर इसका हो गया LCM 2 2x - 1 / √3/2, तो ये 2 गेट्स कैंसल्ड प्लस सी, तो ये कितना हो गया 2/√3 tan इनवर्स 2x - 1 / √3 प्लस सी, ये आ जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहां पे मैंने कुछ देर पहले बोला कि अगर यहां पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाते तो क्या होता, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाते तो यहां पे देखो ये डायरेक्ट फॉर्म में आ जाता, मतलब यहां पे फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, कोई ना कोई नंबर जरूर होता, तो ये तब डायरेक्ट स्प्लिट करने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाता, आने के बाद आप क्या करते डायरेक्ट फॉर्मूला डालते। लेकिन जनरली इस टॉपिक से जो क्वेश्चन डाला जाता है वो मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं होता, ठीक है, तो अगर मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं होता तो हमें यह तरीका अपनाना है। अब क्वेश्चन यह है कि सर आपको कैसे पता चला कि 1/4 को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, आपको कैसे पता चला कि 1/4 को कैसे ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है, आपको कैसे पता चला, आप तो टीचर हो, आपको तो आता है, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो, हम कैसे एग्जाम में करें। तो देखो इसका एक तरीका है, एक्स का जो कोफिशियंट है, एक्स का जो भी कोफिशियंट होगा उसका आधा कर दो फिर स्क्वायर कर दो, एक्स का कोफिशियंट, और ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, चेक करेंगे अभी, एक्स का कोफिशियंट कितना है 1, 1 का आधा कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना है 1/4, 1/4 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको साइड में लिख लेना अगर स्प्लिट नहीं हो रहा है, ये नोट करके लिख लेना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट
कोफिशियंट हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये काम में आएगा और आगे भी ये बहुत काम आएगा ये ट्रिक, ठीक है। हर जगह ये काम करता है, मोस्टली काम कर जाता है। तो ये 1/4 में वहीं से लाया, कहां से लाया और एक बार बता देता हूं, एक्स का कोफिशियंट जो भी होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर एक होगा और एक एक्स होगा, तो एक्स का कोफिशियंट को आधा करो, जितना भी है उसका आधा करो, स्क्वायर कर दो, फिर उसको ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो भी रहा होगा, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो भी रहा होगा और आपके पास उतना पेशेंस नहीं है कि स्प्लिट करके करें, तब भी आप एक्स का कोफिशियंट का आधा करो, स्क्वायर करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज लिख लेना कॉपी में, इस क्वेश्चन को लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब मान लो क्वेश्चन ये गिवन है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस एक्स माइनस वन। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना था, 1 था, तब मैंने वहां पे कुछ बोला नहीं, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, 2 है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमेशा क्या करना, यूनिटी करना, यूनिटी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 होना चाहिए। तो एक चीज और पॉइंट में करके लिख लो, ऑलवेज मेक कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 करने के लिए सॉरी मुझे क्या करना होगा, इसके साथ 2 डिवाइड कर देना होगा, है ना। 2 अगर इसके साथ डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर के साथ भी डिवाइड करूंगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, खोल दे लो, इको हो जी और खोल, बस बस बस, हाँ। तो क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर में, सॉरी एक्स स्क्वायर बोलो, 2 इसके साथ डिवाइड करूंगा, इसके साथ अगर डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर के साथ भी डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 होता। अब 1/2 कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर ला सकता हूं, 1/2 लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसके साथ 2x² डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा x², फिर x/2 प्लस x/2 माइनस 1/2 dx। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने क्या किया है, बस एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 किया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 किया गया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब देखो इसको स्प्लिट करना मुश्किल है, तो मैंने क्या बोला था, एड एंड सब्सट्रैक्ट हाफ ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स और उसका स्क्वायर। मतलब यहां पे एक्स का कोफिशियंट कितना है, एक्स का कोफिशियंट कितना है, 1/2, 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/16। तो क्या करना है, 1/16 ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस x/2 प्लस 1/16 ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, 1/16 माइनस 1/2 dx। समझ आया या नहीं आया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये होगा 1/16 को 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 1/16 माइनस 1/2, ये हो गया dx। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 बाहर ऑलरेडी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये बन गया
वन बाय फोर का होल स्क्वायर, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस 16 हो गया, तो 1 फिर 2 इंटू 8 16 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 9 बाय 16 होगा या नहीं होगा, माइनस 9 बाय 16 होगा या नहीं होगा, देख लो जरा ध्यान से, 9 बाय 16 इसको सॉल्व कर रहे होगे, माइनस 1 बाय 16 माइनस 1 बाय 2 माइनस 9 बाय 16 आएगा। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 बाय 4 का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अब ये कौन से फॉर्मेट में आ गया जरा देख लो, इन तीन फॉर्मूले में से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहां पे है, ये देखो तीसरा वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डीएक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 ए, 1 बाय 2 और ए कितना है 3 बाय 4, 3 बाय 4 2 इंटू 3 बाय 4, फिर लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स माइनस ए, एक्स कितना है एक्स प्लस 1 बाय 4 माइनस ए माइनस 3 बाय 4 सॉरी एक्स प्लस 1 बाय 4 माइनस 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस मतलब एक्स प्लस 1 बाय 4 प्लस ए, तो प्लस 3 बाय 4 प्लस सी, ये होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, तो 2 बाय 3 लॉग ऑफ मॉडुलस, इधर एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 4 4x प्लस 1 प्लस 3 प्लस सी, ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 और ये 4 गेट्स कैंसिल, तो 2 बाय 3 लॉग ऑफ 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 4 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? अच्छा हाँ, यहां पे और एक चीज मैंने छोड़ दिया, देखो यहां पे और एक 1 बाय 2 मैंने छोड़ दिया, तो 2 और 2 गेट्स कैंसिल, हाँ 1 बाय 3 होगा, सॉरी 4 बाय 3 नहीं 1 बाय 3 1 बाय 3। चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है सॉल्व करते हैं। पहला चीज मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर को हमें उसका कोफिशिएंट 1 करना है, तो 1 करते हैं, तो 1 करने का मतलब डिवाइडेड बाय 3 होगा ना, तो 1 बाय 3 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बाय 3 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 13 बाय 3x माइनस 10 बाय 3 डीएक्स, ये बन गया। अब उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद एड एंड सब्सट्रैक्ट हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 13 बाय 3, 13 बाय 3 का आधा कितना होगा 13 बाय 6 होगा ना, 13 बाय 3 का आधा 13 बाय 6, तो 13 बाय 6 का होल स्क्वायर मुझे ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। चलो तो मैं क्या करता हूं, 1 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 13 बाय 3x प्लस, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख लेता हूं 13 बाय 6 का होल स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 169 बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस 10 बाय 3 डीएक्स, ठीक है ये कर लिया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट लिखता हूं तो x प्लस 13 बाय 6 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 36, ये हो गया माइनस 169 और इधर क्या हो जाता माइनस 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 12 तो ये हो जाता माइनस 120, तो ये कितना हो जाता प्लस करेंगे तो 9 6 2 8 2 89 बाय 36 12 से कटेगा, डबल 17 बाय 6
तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17/6। अच्छा विथ ए माइनस साइन ये होगा, होगा या नहीं होगा? तो इसको मैं क्या लिखता हूं यहां पे देखना, ये गलती मत करना, माइनस 289/36 ये आ जाता डीएक्स। मैंने क्या किया, बस कुछ इसको सॉल्व करके इधर जो लिखा था वही इधर इसको लिख दिया हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, यहां पे डायरेक्ट स्क्वायर करके मत लिखना, गलती कर सकते हो साइन के साथ, ठीक है? तो वो गलती मत करना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 17/6 का होल स्क्वायर डीएक्स। अब अगर वहां पे स्टार्टिंग से करते तो यहां पे माइनस था पहले से इसके सामने, तो आप क्या करते, माइनस को हटा ही देते, तो बीच में प्लस हो जाता, तो अलग फॉर्मूला लग जाता जो कि गलत है। तो साइन को कभी कंसिडर मत करना उस, या फिर मतलब सॉल्व करते वक्त डायरेक्ट साइन को मत कंसिडर करना, एक स्टेप लिख लो लेकिन सही लिखो, ठीक है, सही से करो। उसके बाद यहां पे कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 1/3 × 1/2 × a 2 × 17/6 मतलब 17/6 ये हो गया log of x माइनस a, तो x प्लस 13/6 माइनस 17/6 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस c। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 17/3 ऊपर जाएगा तो 3/17, तो ये 3 और ये 3 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, 1/17 log of LCM हो जाएगा 6, तो 6x प्लस 13 माइनस 17 डिवाइडेड बाय इसका भी LCM 6, तो 6x प्लस 13 प्लस 17 प्लस सी, तो 6x गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा, 1/17 log 6x से, तो ये हो जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6x 30 प्लस 30 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? तो इतने क्वेश्चन से आपको अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिले, मतलब 1/ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर हमें इंटीग्रेशन में क्वेश्चन मिले तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, जो भी हमें क्वेश्चन मिल रहा था वो किस फॉर्म में था, वो 1/ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में था, तभी मुझे पता चल गया कि हाँ इस फॉर्म में हम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है जो डायरेक्टली इस फॉर्म में दिखे ही ना वो, लेकिन उस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में ला सकते हो, मतलब जो इक्वेशंस या क्वेश्चंस रिड्यूसेबल टू दिस फॉर्म उसके रिलेटेड दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से बन जाएगा, ठीक है? तो पहले इतना लिख लो फिर उस टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो क्वेश्चन आपको ये गिवन है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 1 + cos²x dx। अब यहां पे तो सर ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ही नहीं, दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं, तो कैसे करें? अब देखो ये इसको, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं या ला सकते हैं, ठीक है? कैसे ला सकते हैं जरा देखो, अगर मैं यहां पे cos x को t ले लेता हूं, जो पुराना तरीका है, लेट cos x इक्वल टू t। अब इसको बोथ साइड हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे, तो d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है या नहीं होता, इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, dt/dx बनेगा। तो dx विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx विल बी, dx इस तरफ आ गया तो dt/dt/a - sin x ये आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? अब यहां पे dx के जगह पे ये पुट कर दो और cos x के जगह पे t पुट कर दो, पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का साइन एक्स, इसके जगह पे तो कुछ पुट नहीं करना, डिवाइडेड बाय 1 + cos²x के जगह पे क्या होगा, cos x के जगह पे t, तो t का स्क्वायर ये हो गया, इनटू dx के जगह पे क्या होगा, dt/ -sin x।
अब ये साइन एक्स और ये साइन एक्स गेट्स कैंसिल, तो मुझे इक्वेशन क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है, माइनस वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर डीटी। अब क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय वन का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर डीटी, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब देखो ये कौन से फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, देखो, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बोल दो। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बाहर वन बाय ए, ए की जगह पे कितना है वन, टैन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स कितना है टी बाय वन प्लस सी, तो ये कितना हो गया माइनस टैन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी हमने किसको लिया हुआ है, कॉस एक्स को, तो वैल्यू डाल दो माइनस टैन इनवर्स कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं था, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में ले आए, कहां पे देखो, यहां पे देखो, इस फॉर्म में ले आए, तो सॉल्व हो गया। समझ आया या नहीं आया? चलो मान लो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स इंटू एक्स टू दी पावर फाइव प्लस वन डीएक्स। अब ये भी तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो क्या करें, देखो यहां हम छोटा सा चीज करते हैं, मैं इसके साथ इधर बाहर x टू दी पावर 5 लाना चाहता हूं, ठीक है। अब या फिर अगर दिमाग ऐसे भी चला सकते हो कि अगर मैं इसको t ले लू, x टू दी पावर 5 प्लस 1 को t, अब t लेने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऊपर x टू दी पावर 4 चाहिए होगा, क्योंकि इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ऊपर तो x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 5 भी आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो कुछ है नहीं, x टू दी पावर 4 है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर x टू दी पावर 4 ले आता हूं। तो अगर ऊपर मैं x टू दी पावर 4 ले आया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं इसके साथ x टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया x टू दी पावर 5 इंटू x टू दी पावर 5 प्लस 1 dx। अब मैं जो मैंने दिमाग में सोचा था करने का उसको वो करते हैं, मतलब x टू दी पावर 5 प्लस 1 को t ले लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा क्या फॉर्मूला था, d बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन किए हो गया, अभी टर्म 1 के लिए d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, फॉर्मूला क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1 फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा 5 x टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 कांस्टेंट है, इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाय dx। तो dx मेरा कितना हो गया, dx विल बी इक्वल टू dt बाय 5 x टू दी पावर 4, ये बन गया। अब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना होगा, यहां पे x टू दी पावर तो है 4 तो है ही है, x टू दी पावर 4 है, डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 5 में कोई भी चेंज नहीं क्योंकि हमने t इसको लिया हुआ है, तो x टू दी पावर 5 का 5 रहा, इंटू x टू दी पावर 5 प्लस 1 को मैंने t लिया हुआ है, इंटू t इंटू dx के जगह पे क्या हो जाएगा dt बाय 5 x टू दी पावर 4। अब यहां से 5 x टू दी पावर 4 और 5 x टू दी पावर 4 गेट्स कैंसिल्ड, तो बाहर 1 बाय 5 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, 1 बाय 5 को बाहर ले आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x टू दी पावर 5 इंटू टी ये आ गया। अब यहां पे क्या करें, ये तो लोचा हो गया सर, यहां तक तो ठीक था, फिर क्या करें, अब देखो यहां पे t के टर्म में है लेकिन एक x यहां पे बीच में घुस के काम खराब कर रहा है, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। देखो हमने यहां पे क्या लिया हुआ है, x टू दी पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू टी लिया हुआ है, तो यहां से अगर मैं x टू दी पावर 5 का वैल्यू निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, t माइनस 1 होगा, होगा ये नहीं होगा, तो यहां पे x टू दी पावर 5 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 5 बाहर ले लो x क्या हो जाएगा 1 बाय x टू दी पावर 5 की जगह पे t माइनस 1 इंटू टी
डीटी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 बाय 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी स्क्वायर माइनस टी डीटी, ये होगा या नहीं होगा? आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, देख लो आ गया। अब क्या करना है, अब टी का जो कोफिशियंट है उसको क्या करना है, उसका आधा फिर स्क्वायर। टी का कोफिशियंट कितना है, 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 सॉरी टी का है 1 का आधा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/t² माइनस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 डीटी। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1/5 1/t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा सिर्फ 1/4 बचा हुआ है तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्मूले में आ गया देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्म आया या नहीं आया? ये वाला साइड लिख चुके हो इतना, ये दो स्टेप फिर इस तरफ वाला मिटाता हूं। यहां पर देखो जो पॉइंट्स लिखा था इधर हटा दिया, अब इधर देखो तो यहां पे क्या करना है, फॉर्मूला डालना है तो दैट विल बी इक्वल टू 1/5 इंटू क्या फॉर्मूला है, इंटू 1/2 ए, 2 इंटू ए कितना है 1/2, फिर लॉग ऑफ एक्स माइनस ए तो टी माइनस 1/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय टी माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस सी, 2 से 2 गेट्स कैंसिल तो 1, तो ये हो गया 1/5 इतना बचा, लॉग ऑफ ये हो जाएगा 2 एलसीएम तो 2t -1 -1 तो -2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2 एलसीएम 2t और ये हो जाएगा 0 तो इतना हो गया प्लस सी, तो 2 से 2 गेट्स कैंसिल तो बचा कितना 1/5 लॉग ऑफ 2t -2 डिवाइडेड बाय 2t प्लस सी, ये हो गया। अब हमने टी किसको लिया हुआ है वो भी तो सब्स्टिट्यूट करना है, टी किसको लिया हुआ है एक्स टू द पावर 5+1 तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना हो जाएगा 1/5 लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स टू द पावर 5+1 -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स टू द पावर 5+1 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अगर इस फॉर्म में नहीं भी है तो हम इसको इधर से देखें कैसे रिड्यूस करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया या नहीं आया? चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इसी ये जो फॉर्म है ना इसी फॉर्म का होगा लेकिन हल्का सा चेंज होगा, वो हल्का सा चेंज क्या होगा वो आपको लास्ट क्लास पता मतलब नेक्स्ट क्लास पता चलेगा, ठीक है। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोज मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। और हाँ अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रहा है समझने में, आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।